भाई जिन न्यूज चैनल्स का सारा साल पाकिस्तान पाकिस्तान करने में बीत जाता है, वो आज शिकायत कर रहे हैं कि सरकार ने पोल्यूशन पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या बात सुभान अल्लाह। नमस्कार, व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। प्रदूषण के मारे चारों तरफ बुरा हाल है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, आसमान में राहुल गांधी के करियर से ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है, जेब कतरे अपनी जेबें काट रहे हैं, विदेश यात्रा पर निकले मोदी जी रास्ता भटक कर गलती से भारत भी आ गए। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि न्यूज चैनलों ने पूरे डेढ़ दिन से पाकिस्तान की कोई खबर तक नहीं दिखाई और दिन भर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यही चैनल्स आज खुद प्रदूषण की बात कर रहे हैं। मगर इन मुश्किल हालात में भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बजाय, उसका हल निकालने के बजाय, हमारे नेतागण जिम्मेदारियों से बचने के लिए म्यूजिकल चेयर खेलने में लगे हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल जी ने तो साफ कर दिया है कि इस प्रदूषण के लिए हमारे दिल्ली वालों की भैया कोई गलती नहीं, वो बेचारे तो इतने पर्यावरण प्रेमी हैं कि अपनी कारें भी ऑलिव ऑयल डालकर चलाते हैं, वो तो सिगरेट भी ग्रीन टी के साथ पीते हैं, उनकी तो बीड़ियों में भी तंबाकू की जगह अदरक और तुलसी भरी होती है। इसलिए हमारे दिल्ली वालों को कुछ मत कहो, वो बेचारे तो मुलायम सिंह यादव की नाक से भी ज्यादा सीधे हैं। ये सब तो हरियाणा और पंजाब के नटखट किसानों का किया था, वो पराली जलाते हैं तो हम दिल्ली वालों की सांस जलने लगती है। उधर अमरिंदर सिंह भी ये कह रहे हैं कि हमारे किसान पराली जलाना रोक तो देंगे मगर केंद्र सरकार उन्हें मुआवजा दे। इस पर प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि मुआवजा तो मिलना चाहिए लेकिन उसका पैसा केंद्र नहीं दिल्ली सरकार देगी। यानी मैं नहीं तू, ये नहीं वो, अब नहीं तब, इस तरीके की कई दिनों से हर कोई टोपी ट्रांसफर करने में लगा हुआ है। टोपी तो ट्रांसफर नहीं हो रही है लेकिन पराली का धुआं हरियाणा और पंजाब से ट्रांसफर होकर दिल्ली एनसीआर वालों की सांस फुला रहा है। पिछले कुछ सालों से सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली होने की सबसे बड़ी वजह पराली का जलना ही है। यानी पंजाब और हरियाणा में जलने वाले खेतों से निकली जहरीली हवा हर साल दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील कर देती है। मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया में कोई और राजधानी होगी जो दिल्ली जितनी मजबूर होगी। इतने मजबूर तो यूपीए सरकार में डॉक्टर साहब नहीं थे जितनी आज के टाइम में दिल्ली मजबूर है। इतनी मजबूर तो मनमोहन देसाई की फिल्मों में वो माँ नहीं थी जिसके दोनों बच्चे कुंभ के मेले में खो जाते थे। अरे दिल्ली में प्रदूषण होता है तो कहते हैं हरियाणा पंजाब से आया है, दिल्ली में ठंड पड़ती है तो कहते हैं हिमाचल से आई है, दिल्ली में क्राइम बढ़ता है तो कहते हैं अपराधी यूपी बिहार से आए हैं, दिल्ली में पानी कम पड़ता है तो कहते हैं हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा। और तो और, दुनिया की सबसे गंदी यमुना नदी दिल्ली में, दुनिया में औरतों के साथ सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में होते हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी दिल्ली एनसीआर में ही है। मतलब इतनी बदनाम तो दबंग की मुन्नी भी नहीं थी जितना बदनाम पूरी दुनिया में दिल्ली शहर है। इतने इल्जाम तो यूपी बिहार में चुनाव लड़ रहे किसी हिस्ट्री शीटर पर भी नहीं होते जितने दिल्ली शहर पर है। मतलब दिल्ली अगर कोई इंसान होता ना तो इस प्रोफाइल के साथ कोई उसे कमरा भी किराए पर नहीं देता। इस पर भी हर्षवर्धन जैसे मंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण से बचना है तो गाजर खाओ और एक मंत्री कह रहे हैं कि गुड़ खाओ। मतलब यहां हम दुनिया की सबसे खतरनाक समस्या से लड़ने की बात कर रहे हैं और आप लोग हमें दादी माँ के नुस्खे बता रहे हो। मतलब पेशेंट को कैंसर है और आप कह रहे हो कि पानी में दो ठो डिस्प्रिन घोल के पी जाओ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट कह रहा है सर हार्ट अटैक आया है और आप उससे कह रहे हो काला खट्टा का गोला चूस ले सब कुछ सही हो जाएगा। मरीज को एड्स है और आप ये कह रहे हो कि वो भभूत चाट ले। भाई साहब आप मंत्री हो, आप सरकार हो, आप समस्या का समाधान बताइए। घरेलू नुस्खे सीखने के लिए तो जनता को बस स्टैंड पर 5-5 रुपए की किताबें तो मिली जाती है। क्या बात करते हो। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण से दम घुट रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को गाजर खाने की सलाह दी है और कहा है कि इससे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आप जानते हैं किस बात से मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, चिंता होती है? इस बात से कि जब हम लोग एयर प्यूरिफायर जैसी चीजें लगाने की बात करते हैं, क्योंकि एक बार बस एक बार अगर हमने एयर प्यूरिफायर जैसी चीजों से इस प्रॉब्लम का यानी पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाल लिया तो कुछ टाइम बाद कोई भी इस प्रॉब्लम की बात ही नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज हम पानी के खराब होने पर पानी की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अपने घरों में आरओ लगा लिया भैया हम सब ने, वो मोहल्ले की किसी भी दुकान से आरओ लाकर हम लोग किश्तों में इंस्टॉलमेंट में घर में फिट करवा लेते हैं। अरे बिल्डर लोग तो पोजीशन के साथ फ्लैट में आरओ फिट करके देते हैं। इसके बाद जल बोर्ड पानी में अगर तेजाब भी मिला देना तो इससे हमको घंटा कोई फर्क पड़ता है। आज उसके लिए यानी हमारे लिए साफ पानी समस्या नहीं है। मीडिया भी साफ पानी पर कोई बात ही नहीं करती जबकि हकीकत में आज भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी कहाँ मिल रहा है? आपको मिल रहा है क्या? आपके घर में भी आरओ होगा। इसी तरह एयर प्यूरिफायर लगाने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना बॉस, तो लोग इस प्रॉब्लम पर हाय तौबा मचाना बंद करके फिर से टिकटॉक पर
गंदे वीडियो बनाने लग जाएंगे, प्रॉब्लम भूल जाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी प्रॉब्लम का एक मार्केट बन जाता है ना, तो वो मार्केट कभी भी प्रॉब्लम को ख़त्म होने नहीं देता है। इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है कैंसर की बीमारी। आज पूरी दुनिया में कैंसर की दवाइयों का इतना बड़ा अरबों खरबों डॉलर का बाजार है। एक से ज़्यादा रिपोर्ट से कहती हैं कि पूरी दुनिया में कैंसर की दवाओं का ये बाजार ही इसका इलाज ढूंढने नहीं देता, क्योंकि एक बार इलाज आ गया तो खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। और कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी ही दुकान बंद हो जाए। मच्छर मारने का स्प्रे बनाने वाली कंपनी कभी स्वच्छ भारत जैसा अभियान नहीं चलाएगी भैया। वो आपसे ये नहीं कहेगी कि घर के आसपास सफाई रखो। आप घर के आसपास जितना गंदा मचाएंगे, मच्छर उतने ही आएंगे, है कि नहीं? जितने मच्छर होंगे उनकी दुकान उतनी बढ़िया चलेगी। इसलिए हैरानी नहीं है कि इतने सालों में मच्छर तो खत्म नहीं हुए, लेकिन ये मच्छर मारने वाले जो स्प्रे होते हैं इनकी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। और एयर प्यूरीफायर्स को लेकर भी मेरा कंसर्न यही है कि अगर एक बार इससे जुड़ी इंडस्ट्री बड़ी हो गई और लोगों को भी लगने लगा कि प्यूरीफायर लगाने से प्रदूषण की समस्या दूर हो जाती है, तो क्या कभी इस प्रॉब्लम का इलाज ढूंढा जा सकेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फिर ना मिडिल क्लास आदमी को इसकी परवाह होगी और ना ही इससे जुड़ी इंडस्ट्री कभी इसका इलाज ढूंढने देगी। और आखिर में फिर पिसेगा कौन? वो आम आदमी जो ना 15,000 का वाटर प्यूरीफायर खरीद पाता है और ना ही 10-15,000 का एयर प्यूरीफायर अफोर्ड कर पाएगा। मीडिया भी उस गरीब आदमी की नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी ना तो ट्विटर पर है और ना ही इंस्टाग्राम पर है, और किसी के पास इतनी फुर्सत तो है नहीं ना कि उस गरीब आदमी के नाम पर हैशटैग गरीब आदमी सफरिंग का हैशटैग चला देगा और इसको ट्रेंड करवाएगा। कोई करवाएगा? आप करवाओगे? चलो ठीक है, छोड़ते हैं इसको, बाकी आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। ये वीडियो बांटने की लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आप भी पोल्यूशन से परेशान हैं या अपनों को परेशान न देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को दबा के लोगों तक पहुँचाइए, दबा के शेयर करिए। हमारा चैनल भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। बाकी हमारा मोबाइल ऐप अगर आपने अब तक अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन है iOS फ़ोन है, उसमें अगर आपने अभी हमारा रौनक का ऐप नहीं डाला है तो डालिए, उसमें एक साथ सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, पोल्यूशन से अपने आप को बचाते रहो। बाकी जय हिंद।